ये देखिए मरियम हंस रही है। मरियम को उल्टा कभी सुना दी पीछे का गला ये और ये आगे का गला। मैं बोली ऐसे क्यों लग रहा है, ऐसे क्यों लग रहा है ना, है उल्टा कमीज पहना दी मामा, है हैं पगली है मामा तुम्हारी, इधर देखो पगली है मामा। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपकी आपके बच्चों की सेहत इज्जत ईमान में अपनी खैर बरकत अता फरमाए, आमीन। और ये देखें सुबह सुबह के टाइम ही आज मैंने मरियम का कपड़ा चेंज कर दिया है, तो ये तकरीबन हर रोज़ तो नहीं दूसरे दिन तो ये हो ही जाता है, ये कपड़ा भी चेंज कराओ और चादर वगैरह सारी चेंज कराओ। तो बस मरियम को समझा रही हूँ कि अब थोड़ी अच्छी बच्ची बन के रहना। तो बस मरियम देखे एकदम चुप से आराम से सुन रही है, और हफ्सा अभी स्कूल गई हुई है, तो हफ्सा जाती है स्कूल जब भी लाइट नहीं होती है, और हफ्सा स्कूल से आती है जब भी लाइट नहीं होती है। वो बहुत टेंशन में आती है, उसको जो भी गेम वगैरह देखना होता है या कार्टून वगैरह वो देख ही नहीं पाती है। बस अभी आजकल यही है, या तो अब मरियम के साथ खेले या फिर अपने दोस्तों के साथ खेले, इसीलिए और नज़र भी नहीं आती है ज़्यादा ना, मतलब वीडियो वगैरह में कम ही होती है उसके पास टाइम बिल्कुल, स्कूल ट्यूशन फिर अरबी पढ़ना ये सब, फिर अपनी दोस्तों के साथ खेलने चल जाना। चलो दिलाई थी ना, हाँ लो ये लो, आधा आपका आधा मेरा, ठीक है। लाओ लाओ मैं खोलू, मुझे नहीं खुलेगा ना, ये बाहर निकालो। फिर इसको बराबर मिलाकर करते हैं, एक तेरा एक मेरा, फिर ये दो तेरा, फिर ये एक और दो मेरा, फिर ये तीन तेरा, फिर ये एक दो तीन मेरा, ये क्या हुआ तेरा, ये एक और दो, अब तो मेरा दो कम हो रहा है, दो ले। हाँ ये क्या हुआ मरियम, मरियम भी हंस रही, क्या कर रही है बराबर बराबर है, नहीं ना हफ्सा क्या कर रही है चीटिंग है, हफ्सा ज्यादा लिया या आपको ज्यादा दिया है, इधर देखिए बोलो क्या हफ्सा ज्यादा ले लिया, देखा आपकी सब सारी है, अच्छा मेरे पास कम थोड़ी है, एक तेला एक मेला, 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 अब सही है, अब सही है, थैंक यू बोलो अफसा को, मम्मा भाई थैंक यू कब से बोल, थैंक यू आपने पहली बार बोले थे याद है, आपने वीडियो देखी होगी फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं देखी तो जाके देखो, तेरी कौन सी वीडियो मैं भूल गया, नहीं बना सकती। अरे अभी दापी को वो भी नहीं दिखाया ना, दिखाई के अपना ट्रॉफी नहीं बोली थी कुछ नहीं, अफसा फिर कटा गए है ना, छोड़िए छोड़िए सही है, खुश हो मेरी अफसा, तुम भी खुश हो, मुझे अभी काट के दो, किसको अच्छा लगता है, हाँ काट के, मैं तो उसी वक्त बोल रही थी खा लो, मुझे अच्छा लगता है मरियम, आपको अच्छा लगता है, आपको भी काट दो। चलो अब देखें यहाँ अफसा ट्यूशन से आ चुकी है और दोनों बहनें अब बैठ करके, इस टाइम लाइट होती है तो बैठ के दोनों बहनें कार्टून देख रही हैं, और माशाल्लाह दोनों बच्चियों को बहुत पसंद आया है कीवी, ये इतना महंगा मिलता है ना, मैं इससे पहले शायद दो ही दफ़ा लेके आई हूँ, और 80 रुपये पाव 90 रुपये पाव, और ये पता नहीं कैसे तकरीबन 1 किलो था, और पूरा एक पैकेट जो है ना 280 350 कह रहा था, कहते कहते फिर खैर 280 में उसने मुझे दे दिया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और यहाँ देखें हम जैसे भूल भुलक्कड़ के काम, पूरी चाय की पतीली जो है ना मैंने जला दी, पूरा चाय अच्छा खासा 2 कप था वो चढ़ाया, और फिर मैं भूली गई, आराम से ही अपने दूसरे काम निपटाती रही, तो देखें ये जल के बिल्कुल काली हो चुकी है, और फिर मेरी बहन ने ला के दिया है मुझे अभी एक, समझ जाए कि आप उसको जादू ही, मुझे तो जादू ही लग रहा है ना, तो फिर देखें मैं डालूँगी उसको ऐसे 2-3 कतरे मैं डालूँगी सिर्फ, और रात भर के लिए छोड़ दूँगी, तो कल सुबह मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊँगी कि कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट आता है ना इसका, मेरे लिए तो बहुत कारामद है, मेरी तकरीबन पतीलियाँ जो है जली हुई हैं, मैं इधर अगर किचन में खड़ी रही तब तो सही है कि सारे काम हो सही चल रहे हैं, और इधर उधर हुई तो मैं भूल ही जाऊंगी ना, और खुशबू भी आ रही होगी तब भी मुझे पता ही नहीं चलेगा, यहाँ पे रात के खाने की तैयारी चल रही जल्दी जल्दी क्योंकि लाइट चली जाएगी, ज़िंदगी अब यही है, लाइट आने वाली है और लाइट जाने वाली है। ये देखिए ये चूल्हे का ना थोड़ा सा हिस्सा मैंने उससे साफ़ करके देखा था ना, तो बहुत अच्छा सा साफ़ हो गया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था ना, तो
ऐसे खैर मगर ना पता है ये हाथ खराब कर रहे हैं आगे चल के आपको। बोलो ओके तो किसी को आई है मदद? किसी की आई आवाज? किसी की आई है मदद? आपकी गाड़ी तो बहुत बड़ी चली गई। तो आप बताएं आपका रोटरी आप कौन सा नंबर बताएं? कोई भी नंबर बताइए आप। बोलिए वो नंबर जल्दी जल्दी नंबर बोलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 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
आपने तकलीफ लिए दस करोड़ के। एक लाख रुपए की चेन होने। बस एक लाख की कोई अहमियत ही नहीं है अब तो। ये लिए आप इतनी कर, ये आप जिसे भी देंगी, ये उसमें से वो पैसे काट सकता है, ओके? तो मैं आपको बाहर जाना है। मैं आपको छोड़ देती हूँ कि काकी घर का ही ख्याल है, मैं कहाँ से छोड़ूँ? हाँ, गली तक। गली तक? गली गली तक। गली तक, चलिए। ठीक रहिए मामा, ठीक है? ठीक है, मैं जाता हूँ, अब किसी और, अब गाड़ी के आइए प्लीज। एक बार, दो बार, तीन बार, बजे ठीक करवाओ, बार बार, इसको मेरी तरफ से दो बार लगा रहा हाँ, ये उसका पंचर वाली है। हाँ। पंचर वाला आवाज लगाता है, हैं? पंचर वाला आवाज लगाता है। हाँ, ये देखिए मेरा स्पेशल टूल है ये। इससे मैं एक सेकंड में ठीक कर दूंगी। बस मेरी शॉप बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। जल्दी किसी मदद है तो मैं बोले हफ्ता, किसी मदद है तो बोले हफ्ता। तुम्हारा ना अच्छा अच्छा ये है तुम्हारी है तो आपकी गाड़ी बहुत बड़ी तरीके से घूमेंगे। नहीं रोटी खाना तो बता देना है। आज से रोटी टाइम। मरियम रोटी खाओगी चावल? ओए शादी आ रही है, अब चावल नहीं खाओ, ठीक है? वैसे भी तुम्हारा टेस्ट आ गया। नहीं तुम्हें चावल खाना है, दोनों बहन को चावल खाना है, रोटी नहीं खाना है। मरियम को टेस्ट आने वाले ना, फिर अगर उसका सीना खराब रहेगा तो रिपोर्ट खराब आएगी। इधर देखो मेरी तरफ, इतनी शरीफ बन जाती है गंदी लड़की है। रोटी खाओगी चावल? इधर देखो बताओ क्या खाओगी, रोटी की चावल है लौटी है। देखो अपनी बोलती मैं लौटी खाऊंगी, आप तो बताओ उसका तुम क्या खाओगी? रोटी के साथ कौन उबला अंडा खाता है? भुजिया बनाई आज। ये देखे बच्चियाँ एंजॉय कर रही है क्योंकि ना मोबाइल है और ना ही कंप्यूटर, तो लाइट जाने के बाद दोनों आपस में ही मिलके खेलती रहती हैं। और आज हफ्सा जो है अपनी दोस्त बरीरा के घर नहीं जा सकी, तो इसीलिए दोनों बहनें एंजॉय कर रही हैं। और जब लाइट ना रहे तो फिर मरियम भी हफ्सा को लिफ्ट करा देती है, वरना लाइट रहे तो बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं कराती है। वही अपना मोटू पतलू जान या फिर कोक स्टूडियो यही देखती रहती है ना। तो खैर बस अब ये मेरी मोहब्बत अपने बच्चों के लिए ना कोई ख़ास नहीं है। दुनिया में हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए ना ऐसी मोहब्बत करते हैं, इसलिए कि अल्लाह ही ने ही मोहब्बत डाली है। तो इसीलिए आप मेरी बच्चों से को सपोर्ट करते रहें और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। और बस आजकल तो यही एक मुझे टेंशन रहती है ना कि मैं अपनी मरियम की जो है ज़िम्मेदारियाँ अच्छे तरीके से पूरी कर सकूं, क्योंकि मैं आजकल उसकी ज़्यादा अच्छे तरीके से केयर नहीं कर पा रही हूँ। तो बस इंशाल्लाह आप लोगों का सपोर्ट रहेगा और अल्लाह की मदद शामिल रहेगी, तो इंशाल्लाह वो वक्त भी आएगा कि मैं कोई हेल्पर रख सकूँगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।